प्राइजेस अभी और गिरने हैं, इसमें कहीं से कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी पीसी का काम जो है वो अच्छा चल रहा है इसके अंदर में। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब क्या लगता है, और माइनिंग रिग ज्यादा बन रही है या फिर पीसी बन रहे हैं? अगर आप गेमिंग और एडिटिंग पीसी परचेस करना चाहते हैं तो आज ही चेक करिए हमारी वेबसाइट जो कि है techpc7.in। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना पीसी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको सिंगल पीस लेना हो तो वो भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। सो गाइस दोबारा आ चुके हैं हम यहाँ पर डिजिटल लोज में, एंड सुभाष भाई मौजूद है। सुभाष भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। सुभाष भाई, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो क्या लगता है ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस नीचे आए हैं या फिर वहाँ पर स्टेबल है? देखो अभी जो ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग है पहले के मुकाबले नीचे आ गए हैं कुछ कार्ड्स के प्राइसिंग, पर कुछ कार्ड अभी भी बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ हाई एंड कार्ड्स हैं, 3070 Ti हैं, इन कार्ड्स के प्राइसिंग अभी थोड़े से नीचे गए हैं, बट इसके अलावा जो 3070 प्लेन है, 3060 है, उसके कार्ड अभी भी स्टेबल चल रहे हैं वहीं तक। और सुभाष में क्या लगता है, क्या प्राइजेस और बढ़ेंगे या फिर स्टेबल रहेंगे या गिरेंगे? काफी लोग कह रहे गिरेंगे, क्या लगता है आपको? देखो प्राइजेस अभी और गिरने हैं, इसमें कहीं से कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन जो उन ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग डाउन जाएंगे जो अभी माइनिंग में यूज हो रहे थे, मतलब जो माइनिंग में यूज हो रहे थे उनमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप देखो अभी आपको हैश रेट इतना मैक्सिमम मिल रहा है उसके अंदर में, उसके बाद भी जो है रिक्स अभी नहीं बन रहे हैं। LH4 तो जो सिस्टम खत्म हो चुका है, पूरा सिस्टम खत्म, उसके बाद भी अभी रिक्स जो है नहीं बन रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि ये चीजें देख के जो आपके इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो MSI के हों, चाहे ज़ोटेक के हों, आसूस के, जिसके भी हों, वो प्राइसिंग और अभी नीचे लेके जा सकते हैं। बट अगर प्राइस में ड्रॉप आता भी है तो कोई ऐसा नहीं कि प्राइस में आपका बिल्कुल MSRP पे भी आएगा, MSRP पे नहीं आएगा, बट यहाँ उसके आसपास वो आ जाएगा प्राइसिंग आपको। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट MRP भी आ चुके हैं, आई थिंक 40 से नीचे मिल रहा होगा 3060, और जबकि रियल MRP क्या आती है 30-35 के आसपास। हाँ तो वही बता रहा मैं आपको, जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट जो है MSRP पे आएगी, बट एग्जैक्ट MSRP पे नहीं आएगी। ओके तो आई थिंक डिपेंड करता है क्रिप्टो मार्केट पर, अगर क्रिप्टो मार्केट दोबारा ऊपर गई तो हो सकते हैं प्राइसिंग बढ़ जाए, मे बी हो सकता है। बट आप एक चीज अभी समझ लो, जो लोग इतने साल से 2 साल से वेट कर रहे थे पीसी के लिए, वो लोग आज के टाइम में ओपनली आ रहे हैं पीसी बाय करने के लिए, ठीक है। तो अभी पीसी का काम जो है वो अच्छा चल रहा है इसके अंदर में, और इसके अलावा जो माइनिंग रिग्स हैं वो अभी वहीं स्टेबल हैं, और जिन लोगों को रिग बिल्ड भी करवाना है उनके लिए भी यही सजेशन है, वो भी थोड़ा सा वेट कर लें वहाँ पे। सर एक चीज मुझे बताओ, देखो आप तो दोनों चीज बनाते हो, चाहे किसी ग्राफिक कार्ड लेने हो माइनिंग रिग के लिए, माइनिंग रिग बनवानी हो या फिर किसी को पीसी बिल्ड करवाना हो, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब क्या लगता है, और माइनिंग रिग ज्यादा बन रही है या फिर पीसी बन रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊँ, बनने के लिए दोनों चीज बन रही है, आज भी रिग बने ऐसा नहीं है, बट जिनको रिग बनाना है एक ही चीज बोलूंगा, वेट कर लो आप उसके अंदर में, वेट कर लो। बाकी आपका क्या लगता है कि माइनिंग रिग ज्यादा बन रही है पीसी ज्यादा बन रहे हैं? पीसी बन रहे हैं ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब से प्राइसिंग ड्रॉप गया आपका तो जो पीसी का काम था वो थोड़ा सा अभी ऊपर गया, ऊपर गया है। हाँ, और अच्छा ये देखो, ये जो हमारे जो चाहे जो गेमर्स हैं या फिर जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के जो जैसे वीडियोस बनाते हैं, उन्हें यहाँ से एक सपोर्ट मिल गया एक तरह से, प्राइस जब से ड्रॉप भी है। अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट मिला उनके लिए यहाँ पे, अभी वो अपना पीसी भी बना सकते हैं, इसके अलावा किसी को ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना था वो भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन। अच्छा एक चीज मैंने देखी, माइनिंग का जैसे दौर थोड़ा सा कम सा हुआ ना, काफी चीजों के रेट गिर गए, रैम के यहाँ पर रेट मैंने गिरते हुए देखे, और भी काफी सारी चीजें थी, कार्ड के रेट गिरे, रैम के रेट गिरे। देखो रैम का रेट तो ऐसे, रैम का रेट अभी नहीं, कम से कम 1-1.5 महीना हो चुके हैं, उस टाइम से प्राइसिंग गिरना स्टार्ट हो चुका था, और आप काफी गिर गए हैं। अब बहुत अच्छा प्राइसिंग है अभी रैम का इसके अंदर में, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊँ, देखो जो प्राइसिंग है, चाहे आप SNPS देख लो उसके अंदर भी ड्रॉप है, इसके अलावा रैम के अंदर देख लो वहाँ भी ड्रॉप मिलेगा, और ग्राफिक कार्ड के अंदर ऑब्वियसली बात है वो तो है ही, और अच्छा PC बिल्ड के साथ तो और अच्छा रेट मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। ओके तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उस बात भाई स्टार्ट करते हैं, सारे ग्राफिक कार्ड कवर करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एंट्री कार्ड जो 730 आता है, एंड जाएंगे हाई एंड कार्ड तक 3080 3070 Ti, एंड कोशिश करेंगे सारे मॉडल कवर करें हम यहाँ पर, जिसको जो मॉडल लेना हो तो उसके लिए प्रोवाइड हो जाए, मतलब प्राइस पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष भाई स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो मतलब सबसे बेसिक कार्ड आता है ये GT 730। सुभाष भाई क्या प्राइस है इसकी? देखो जो 730 में जो स्टार्टिंग मॉडल है वो आपका 2800 रुपये के आसपास का भी आ रहा है, 2800 रुपये से स्टार्टिंग होने वाली DDR3 है, DDR3 वाले, ये DDR5 है, तो ये आपको थोड़ा सा उससे 1000 रुपये ऊपर मिलेगा, ये आपको 3800 का मिल जाएगा आपको पीसी के साथ में, इंडिविजुअल आपको पड़ेगा 45 के आसपास का, मतलब सिंगल लेंगे तो 700 रुपये महंगा मिलने वाला है। हाँ। बाकी पीसी बिल्ड के साथ 3800 रुपये का होने वाला है। हाँ। ओके ये हो गया 730। इसके बाद अगर बात करी जाए 730 के बाद आपका 1030 क्या रेट बढ़ेगा? सर एक तो ये है और एक और है यहाँ पर, आई थिंक कलरफुल में भी आता है 1030, एक बार आपके पास कलरफुल में आ रखा है, क्या रेट होगा
जो आपका ये 1030 है ये गीगाबाइट का है, ये हाँ ये 2GB का है आपका, और ये DDR4 था, ये DDR4 है, और इसकी प्राइसिंग भी आपको अप्रॉक्स जो है 6900 के आसपास की मिलती है, 6900। हाँ। और अगर ये कलरफुल की तरफ से ले 4GB, बट अगर आपको अगर यही ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप कलरफुल ले सकते हैं, क्योंकि वो 4GB का आपको मिल जाता है और वो भी DDR4 था, तो परफॉर्मेंस इससे अच्छी आपको वहाँ मिल जाएगी, और प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्स 600-700 रुपये डिफरेंस है, वो आपको 600-700 का डिफरेंस है। बाकी इसमें अगर बात करी जाए ये क्या रेट होगा स्वाद भाई? ये आपको मिल जाएगा 6200 रुपये का, 6200 रुपये का होने वाला है। ओके, अगर पीसी बिल्ड के साथ अगर ले तो कितना फर्क आ जाएगा इन कार्ड में? मतलब देखो अभी जो मैं आपको जितनी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बता रहा हूँ इंडिविजुअल भी, और जो अगर आप सिंगल ले तो उसके अंदर भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मतलब जो प्राइस बताया ये मतलब पीसी बिल्ड के साथ है, सिंगल भी ले सकते हैं प्राइस, आप सिंगल भी ले सकते हो कोई इशू नहीं उसके अंदर में, पीसी बिल्ड के साथ कुछ कम हो जाएगा, आप पीसी के अंदर में मैं आपको प्राइसिंग कर दूंगा उसके अंदर में। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए 730 हो गया, 1030 हो गया, उसके बाद आते हैं 1050 Ti, यहाँ पर दो है MSI और ASUS, एक कलरफुल भी रहता है जो सबसे सस्ता पड़ जाता है, क्या रेट होगा? देखो कलरफुल इसके अलावा Inno3D भी होगा उसके अंदर में, Inno3D वाला आपको मिल जाएगा 16800 रुपए का, 16800 Inno3D 1050 है। और देखो उसमें ब्रांड बहुत सारे हैं, जो स्टार्टिंग ब्रांड से मेरे पास 14500 रुपए से 1050 Ti का स्टार्टिंग, 14500 से आपके पास स्टार्टिंग है, वो गेमर चॉइस आएगा जिस ब्रांड के नाम किसी ने सुना नहीं है, तो मैं इसीलिए वो कभी किसी को प्रेफर नहीं करता। अगर आपको लेना है थोड़ा सा पैसा लगा, वो 1500 रुपए ऊपर लगा के आप Inno3D मेरे से 16000 तक पीसी के अंदर ले सकते हो, 16000 रुपए का पीसी के साथ मिल जाएगा। एंड इसी में बात की जाए ASUS और MSI, क्या रेट बढ़ेंगे? MSI वाला आपको दे दूंगा मैं 16900 रुपए का, 16900 ASUS, ASUS मिल जाएगा आपको 17500 का मिल जाएगा। ओके, 1050 Ti के बाद अगर यही पीसी बिल्ड मिले मुझे भाई कितना फर्क आ जाएगा पीसी बिल्ड में? अभी मैंने आपको बताया जो प्राइस के अंदर में जो डिफरेंस आएगा वो अप्रोक्स इन कार्ड्स के अंदर में 500-600 रुपए डिफरेंस आएगा, 500-600 का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, इसी के बाद अगर बात की जाए 1650 का रेट पड़ेगा सर भाई? 1650 अगर आप इंडिविजुअल लेते हो आज के टाइम में तो वो आपको मिलेगा अप्रोक्स 21000 रुपए के आसपास का, 21000 का मिलेगा 1650। स्टार्टिंग ब्रांड्स जो है 19000 रुपए से स्टार्टिंग है, 19000 से लेकर अप टू 21000 के बीच में आपको मिल जाएगा अलग अलग ब्रांड्स के अंदर में। ओके, तो आई थिंक 1050 Ti हो गया, इन्हें डाल लेते हैं, और 1650 की भी आपने बात कर ली, 60 में कुछ पूछ ले, 1660 सुपर 1660 Ti तीनों ग्रेड बता दो भाई। 1660 किसी को चाहिए वो आपको 23000 में मिलेगा, बट स्टॉक में मेरे पास रेडली नहीं है, अगर किसी को चाहिए मैं मंगवा दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। क्या रेट चल रहा है 1660 सुपर? 1660 सुपर आपको मिल जाएगा, वो मेरा वे स्टॉक में है, इसमें जोटेक चाहिए आपको, गैलेक्सी है, MSI चाहिए, सबसे सस्ता कितने तक का होगा 1660 सुपर? 25500 रुपए तक आपको मिल जाएगा, 25500 रुपए का होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं AMD पे 26 का, मतलब उससे तो सस्ता मिल ही जाएगा AMD कंप्यूटर से। तो देखो आप मैं क्या ऑनलाइन में जितने भी वेबसाइट हैं सभी से आप कंपेयर कर लो, कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दो वहाँ पे, उससे अच्छी प्राइसिंग आपको हमेशा मिलेगी ऑनलाइन, अच्छी प्राइसिंग आप दे दोगे। 1660 Ti क्या रेट चल रहा है? चाहे देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वहाँ पे, चाहे लेकिन फिर भी कुछ जो जाने माने वो हैं, चाहे आपका MD चाहे वेदांत हो या PrimeVGV Clarion जो भी हो इन सबसे आपको हमेशा अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर एक वेबसाइट और है techpc7.com और इसके अलावा एक वेबसाइट और है हमारी digitalpcshop.com, बिल्कुल चेकआउट करिए, आप कभी भी मेरी वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हो digitalpcshop.com पे, आपको वहाँ पे प्राइसिंग हमेशा अच्छी मिलती है, और सम टाइम अगर ऑफर के अंदर वहाँ पे आपको कई सारी चीजें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है बिल के अंदर में। प्राइसिंग कंटिन्यू करते सुभाष भाई, 1660 सुपर तो आपने बता दिया, बाकी 1660 Ti क्या रेट होगा? सेम प्राइस का मिल जाएगा वो भी 25500। एंड इसी के बाद बात करते हैं 2060 आपके पास रखा है MSI स्टार्टिंग 2060 में मेरे पास, अगर आपको देखो मैं अगर बिल्ड में चाहिए आपको तो मैं प्रीफर करूंगा जो लोग 3050 के लिए सोच रहे हैं ना उनके लिए अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे 2060। हाँ, परफॉर्मेंस ज्यादा है। आप कभी भी गूगल पे सर्च कर लो 2060 वर्सेस 3050, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली वहाँ दिख जाएगा, ठीक है, और मैंने खुद यूज किया हुआ है। अभी मैंने रिसेंट में मैं कोई टेस्ट करके देख रहा था उसमें कोई गेम प्ले करके, तो FPS का अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है आपको वहाँ पे। ओके, बाकी प्राइस क्या होगी 2060 सुपर? सॉरी 2060 में आपको जोटेक मिल जाएगा, MSI मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे उसमें आपको स्टार्टिंग 31000 से, एंड 1-2000 का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी यही चीज अगर पीसी बिल्ड मिल जाए ये पीसी के अंदर ही ये प्राइसिंग मिलेगी आपको, सिंगल महंगा पड़ जाएगा। हाँ, सिंगल आपको इससे
1000 रुपये का अप्रोक्स महंगा पड़ेगा। अच्छा, 32 में सिंगल पड़ेगा आपको। अच्छा सुभाष भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था, 26 सुपर, जब ये LHR का सीन नहीं था ना, तब ये बहुत डिमांडिंग कार था। 26 सुपर आज भी डिमांडिंग है ये। इसमें जो हैश रेट है 44 है और 3060 देता है 50 हैश रेट। हाँ, लेकिन प्राइस उससे ज्यादा होती है, 3060 40 के आसपास है। देखो प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन क्या है कि ये कार जो है ना और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो उससे अच्छी है आप देखोगे तो। वैसे बाकी प्राइस क्या चल रहा है, सुपर मिल जाएगा 39,900 रुपीज का। ओके, मतलब 40 से नीचे 39,900। हाँ ओके, तो मतलब इसे भी लोग प्रेफर कर सकते हैं, आई थिंक देखना पड़ेगा अगर प्राइस थोड़ा और नीचे हो जाए। बाकी 2060 सुपर हो गया, अब आते 30 सीरीज में। 30 सीरीज में एक कार बहुत फेमस है पीसी बिल्ड में, वो है 3050। सो आपसे 3050 क्या रेट होगा? देखो 3050 स्टार्टिंग से बताओ, पीसी बिल्ड 3050 अगर किसी को स्टार्टिंग चाहिए, अप्रोक्स 30,500 रुपये से आपको गैलेक्स का मिल जाएगा। 30,500 रुपये से गैलेक्स का, 500 का आपको गैलेक्स मिल जाएगा। इसके अलावा जोटेक आपको मिल जाएगा 31,800 के आसपास, 31,800 के आसपास जोटेक मिल जाएगा। एंड सो एक चीज़ मुझे बताओ, 3050 हो गया, 3060 का मुझे बता दीजिए। 3060 बहुत लोग डिमांड करते हैं माइनिंग में। 3060 की जो प्राइसिंग है, जो स्टार्टिंग मॉडल्स हैं उनकी प्राइसिंग है 37,500 से लेकर 37,500 से लेकर अभी 42, 44, 45 भी बिक रहे हैं। इसमें डुअल फैन, ट्रिपल फैन, ऑल ब्रांड सब कवर हो जाएंगे। 45 के अंदर में आपके जितने भी ब्रांड हैं आसूस का, टफ तक आपके वो मिल जाएंगे। आरओजी चाहिए आपको, उसमें 1,000-2,000 रुपये और देना पड़ सकता है वहाँ पे। ओके, एंड सब सस्ता जो 37,500 का जो आप बता रहे थे 3060, क्या रेट होगा, मतलब ब्रांड कौन सा होगा? कलरफुल का मिलेगा उसके अंदर में आप, कलरफुल का ब्रांड होगा। एंड गैलेक्स का रेट होगा? देखो अगर किसी को गैलेक्स चाहिए, जोटेक चाहिए, ये आपको 38,500 के आसपास मिल जाएगा। 38,000 ये प्राइसिंग आपको बिल्ड में मिलेंगे। बिल्ड अगर आप इंडिविजुअल लेते हो, इससे 1,000 से 1,500 ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये सही रहा सवाल, पहले बता दिया। बाकी यहाँ पर 3060 हो गए, अब कुछ AMD लवर के लिए देख लेते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई, हमें AMD चाहिए। आई थिंक कुछ कार्ड है जो इन कार्ड को टक्कर देते हैं प्राइस के रेंज के हिसाब से। एक कार्ड बहुत फेमस है, ये 6500XT। सो इसका क्या प्राइस है? देखो बिल्ड के अंदर में जो लोग 1650 के पीछे भी भगे ना, 1650 की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ठीक है, और उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये 6500XT देता है। क्या प्राइस है सुभाष भाई? ये आपको मिल जाएगा 17,900 रुपीज का। 17,900, हाँ, ये बिल्ड के अंदर मिलेगा। इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा 18,500 रुपीज का। ओके, एंड काफी बढ़िया कार्ड है। इसके बाद एक कार्ड और आता है, आप ये समझो ना, जो ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूँ उसके अंदर में, ये 4GB का DDR6 आता है, ठीक है, और आपको 1080p पे मीडियम सेटिंग के ऊपर में भी आपको अच्छी गेमिंग करवा देता है। सारे गेम चलता है, Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, PUBG सब चलते हैं सारे गेम। बाकी इसके बाद एक कार्ड और है, बहुत डिमांड करते हैं लोग, 6600। देखो जो आपका प्लेन वाले आपको 33,000 से लेकर 34 के बीच में मिल जाएगा आपको, 33 से लेकर 34 तक। एंड ये 6600XT MSI वाला आपको जो अभी मिलेगा 37,900 रुपीज का मिलेगा आपको, 37,900 का, 900। ओके, और यही प्राइसिंग आपको अभी जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इसी के आसपास आपको मिल रहा होगा, क्योंकि इसकी जो सभी की परचेज बहुत ऊपर थी, बट अभी सभी जो इसको प्राइस को ड्रॉप करके बेच रहे हैं वहाँ पे, लॉस में बेच रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत एकदम से गिर गए इसके। ओके, इसमें एक और है, उसमें कवर कर लेते हैं, 6700XT। 6700XT आपको मिल जाएगा 58,000 से स्टार्टिंग मेरे पास में, और वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। 58,000 से लेकर उसमें आपको 62 के बीच में सारे ब्रांड कवर हो जाएंगे उसके अंदर, सब मिल जाएंगे, चाहे आपका सफायर का नाइट्रो हो, चाहे आपको गीगाबाइट का 3 फन ज्यादा गेमिंग हो, सी वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर में। ओके, तो ये सारे कार्ड हो गए, 3050, 3060 हमने कवर कर लिया। अब उस कार्ड की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो माइनर बहुत पसंद करते हैं, जो कि है 3060 Ti। सो सर इसका प्राइस बताइए, 3060 Ti आई थिंक आपके पास गैलेक्स है, जोटेक भी लोग काफ़ी मांगते हैं, जोटेक भी आ रहा है स्टॉक, अभी आज ही निकला मेरे मटेरियल के अंदर में। आपको 3060 Ti में अगर मतलब स्टार्टिंग कितने से, स्टार्टिंग मॉडल्स हैं आपको 49,500 से मिल जाएगा। उसमें आपको कलरफुल का डुअल जो आता है, डुअल फैन, हाँ, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी 49। हाँ, 49,500 के अंदर में, 500 बिल्ड के अंदर में, बिल्ड के अंदर इंडिविजुअल आपको 50 का मिलेगा, वो भी 50,000 का मिलेगा, 500 फर्क होने वाला है। एंड इसी में गैलेक्स का क्या सेम प्राइस होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? गैलेक्स आपको मिलेगा 52,500 रुपीज़ का, 52,500 सिंगल, ये सिंगल मिल जाएगा आपको। बिल्ड के अंदर में आपको ये पड़ जाएगा 50,500 रुपीज़ का, 50,500
ओके 50-500 का पड़ जाएगा बिल के साथ, एंड इसी में कुछ लोग डिमांड करते हैं जोटेक बता दीजिए और ट्रिपल फैम बता दीजिए। देखो अगर किसी को जोटेक चाहिए, जोटेक चाहिए या MSI में चाहिए आपको, तो अप्रोक्स 50 to 500 के आसपास में आपको 50 to 500 मिल जाएगा, जोटेक भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको MSI चाहिए MSI मिल जाएगा। बट इसके अलावा जो अदर जो ब्रांड्स हैं जो 3 फैन वाले हैं, आसूस का टफ हो या फिर ROG है या गीगावाट ट्रिपल फैन, गीगावाट, वो आपको अभी भी जो है 55 प्लस में मिलेगा, 55 प्लस मिलेंगे तीनों कार्ड्स जो भी ट्रिपल फैन में आते हैं, 55 से 58 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 3 फैन होने की वजह से, थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड होने की वजह से आपको प्राइस का डिफरेंस मिलता है। बट मैं आपको एक चीज बता, देखो जो जिनको शो ऑफ दिखाना है वहाँ पे ना, उनके लिए वहाँ पे 3 फैन ठीक है। मैं जानता हूँ कि जो लोग PC लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसके अंदर 3 फैन लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा PC के अंदर लुक अच्छा आता है। बिल्कुल, अगर आप प्राइस को कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे डुअल फैन के अंदर में परफॉर्मेंस सेम आनी है, कहीं कोई मैटर नहीं करता। आई थिंक डुअल फैन में जोटेक MSI बढ़िया कार्ड है, अच्छे ब्रांड, MSI में क्वालिटी है, जोटेक में अच्छे ब्रांड है। अभी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम के अंदर में मेरे पास EVGA के कार्ड्स भी आ रहे हैं। अच्छा, EVGA के कार्ड्स भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो उसका प्राइसिंग देखें क्या प्राइसिंग मिलेगी। अगर EVGA का जो प्राइसिंग आएगा, इससे आप मोटा मोटी ये मान के चलो जो 2500 से लेकर 3000 के से ऊपर आपको मिलेगा। ओके, वैसे लेकिन कार्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो वर्ल्ड में बहुत नाम है, EVGA का अच्छी होने वाली है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर इंडिया में क्या कैसा परफॉर्म करते हैं। ओके, बाकी भैया 3060 Ti तो हमने कवर कर लिया, डुअल फैन ट्रिपल फैन भी, एंड आई होप इसमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है मे बी इन फ्यूचर। हाँ, हो सकता है इसमें, अगर क्रिप्टो यहीं पर रहा 150 के आसपास इथेरियम। अभी भी आप देखो प्राइसिंग डे बाय डे नीचे जा रहा है, ये प्राइसिंग आज के हिसाब से है। अगर देखो हो सकता है इन फ्यूचर जब ये वीडियो डलेगी 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आप देखते हो इस वीडियो को या 1 हफ्ते बाद भी देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे मेरा व्हाट्सअप का लिंक रहेगा, वहाँ से आके आप मेरे से आप पूरे PC की प्राइसिंग ले लो, उसके साथ में प्राइसिंग दे दूंगा इंडिविजुअल चाहिए वो भी आप प्राइसिंग वहाँ पे मुझे लिख देना, भैया मुझे सिंगल कार्ड चाहिए आप मुझे प्राइसिंग दे दो, तो जो उस डे की प्राइसिंग होगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगर प्राइस ड्रॉप हुआ ड्रॉप करके दूंगा, अगर प्राइजेस ऊपर गया तो भैया बोल दूंगा भैया प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर गया, इतने का भी मिलेगा। ओके, सो 3060 Ti तो हो गया, अब बात करते हैं 3070 क्या रेट है। देखो 37 जो स्टार्टिंग जो मॉडल है आपका 57,000 से स्टार्टिंग है, 57 से स्टार्टिंग है। ब्रांड कौन सा, ब्रांड वही स्टार्टिंग है आपका, कलरफुल से स्टार्टिंग होती है इसमें। ओके, एंड इसी में 2-3000 रुपए जो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें जोटेक MSI जोटेक हो गया, आपको आसूस चाहिए वो मिल जाएगा, उसके अंदर प्राइसिंग आपको 8,000 से लेकर 64,000 के बीच में आपको सारे 64 सारे ब्रांड कवर, सारे मिल जाएंगे, जोटेक MSI आसूस सब मिल जाएगा। अच्छा सुहास, मैं देख रहा था 3070 Ti और Inno 3D भी आपके पास, MSI भी है, तो स्टार्टिंग मुझे बताओ कहाँ से स्टार्टिंग। देखो जो मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा, कोई अगर बिल्ड में लेता है तो आपको 64,500 रुपीज़ में आपको दे दूंगा 3070 Ti 64 कितना 500। हाँ, और ब्रांड कौन सा होगा ये, ये आपको मिल जाएगा Inno 3D का, Inno 3D ट्रिपल फैन, एंड इसी में अगर अच्छे ब्रांड की तरफ से जाए जैसे MSI हो गया, ASUS हो गया, ZOTEK हो गया, ये आपको 70 प्लस में मिलेंगे। 70 प्लस मुझे दो कार्ड के बता दीजिए, लोग पूछ रहे काफी कमेंट में, ZOTEK फाइबर वारंटी है ना, माइनर पसंद करते हैं। जो माइनिंग वाले हैं उनको तो मैं अभी यही बोलूंगा, जो ग्राफिक कार्ड के लिए आप वहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि प्राइसिंग जो है अगर नीचे जाएंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब नीचे जाएगी, उम्मीद 100% जाएगी भाई। ओके, और लेकिन देखो क्या है कि लेकिन जिनको PC चाहिए ना उनके लिए वेट करना, अगर उनको वेट करना वेट कर सकते हैं, बट बनता नहीं, क्योंकि आप समझो अगर प्राइस ड्रॉप किया कितना जाएगा, 2000 रुपये जाएगा, बट अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है और भी चीज़ें कंपोनेंट्स में भी तो काफ़ी कम हो गया, 2000 तो वहाँ का एक तो कंपोनेंट हो गया, अगर मे बी ग्राफिक कार्ड प्राइसिंग का भी डाउन गया, किसी और चीज़ की प्राइसिंग बढ़ गई जैसे रैम के बीच में बढ़ी थी, तो उससे क्या होगा आपका प्राइस दोनों वहाँ पे मैच कर जाएगा। तो बेस्ट टाइम है अगर किसी को वहाँ पे बिल्ड करना है उसके लिए, रिग के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ये बेस्ट टाइम है अभी यहाँ पे, मतलब PC के लिए बेस्ट टाइम होने वाला है, मतलब जो वेट कर रहा है जाके बनवा लो PC, बेस्ट टाइम है ये। बिल्कुल बनवा लो, आप एक चीज बता दो मुझे आपको क्या चीज चाहिए, प्राइसिंग चाहिए ना, बेस्ट प्राइस है, ग्राफिक कार्ड में अच्छी प्राइसिंग मिल रही है। मैं मानता हूँ कि जो लोग MSRP पाने वेट कर रहे हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी वहाँ पे। ओके, बाकी सोच भाई कुछ कार्ड के प्राइसिंग मारे रह गए थे, 3070 Ti जोटेक का मुझे प्राइस बता दीजिए। देखो जोटेक के अंदर कोई बिल्ड में लेता है 69,000 के आसपास वो मिल जाएगा, 69 के आसपास मिल जाएगा इंडिविजुअल, आज भी उसका रेट जो 71-72 ही है उसके अंदर में। अच्छा, ये बिल्ड के साथ है 69 और इंडिविजुअल लेंगे तो 71-72 के बीच, 71-72। ओके, एंड MSI ये ट्रिपल फैन वेंटस 3 ये वाला क्या रेट होगा सर भाई। MSI का जो आपको कार्ड मिलेगा 72,000 का मिलेगा आपको MSI का, वेंटस ले लो, गेमिंग XC आपको 74 का मिलेगा। इसके अलावा आपको ASUS में टफ चाहिए, टफ मिल जाएगा आपको उसके अंदर में। इसका बस रेट बता दीजिए MSI
ट्रिपल फैन बिल्ड के अंदर मैं 71,500 दे दूंगा 71,500 एंड Asus Tough Gaming जो आता है 3070 है Asus के अंदर में प्राइस अभी ड्रॉप गया उसके अंदर में तो Asus आपको जो है ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिल जाएगा उसके अंदर 71,500 हाँ ओके 3070 है एंड 3070 है सबसे डिमांडिंग कार्ड सबसे हैवी कार्ड ROG Strix 3070 है क्या रेट होने वाला है ROG Strix आपको पड़ेगा बिल्ड के अंदर भी लोग आपको 75 से नीचे नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है 75 के आसपास होने वाला है ROG Strix 3070 है ओके सबसे अब बात करते हैं यहाँ पर 3080 जोटेक की तरफ से 3080 जोटेक क्या रेट होने वाला है भाई 3080 जोटेक को पीसी के अंदर मिलेगा 79,500 मिल जाएगा आपको 79,500 का मिल जाएगा 3080 जोटेक की तरफ से इसी में कोई और ब्रांड भी आता है देखो इसमें कलरफुल का अल्ट्रा ओसी जो आता है आपका एडवांस वाला वर्जन वो आपको मिल जाएगा अभी उसके अंदर में 76-77 के आसपास का ओके इसके अलावा किसी को अगर Asus का टफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा वो मिलेगा आपको 85 के आसपास का 85 के आसपास एंड 3080 क्या रेट पड़ेगा 3080 आपको मिल जाएगा अभी 1,10,000 रुपए का 1,10,000 रुपए का 3080 Ti हो जाएगा लास्ट कार्ड रह जाता है 3090 चीता कार्ड कहता है इससे हैवी कोई कार्ड नहीं 3090 जो है वो आपको मिल जाएगा अभी 1,60,000 के आसपास का 1,60,000 रुपए अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं बिल्ड के अंदर में आपको वही कार्ड जो है 155 का मिल जाएगा 155 का आई थिंक मुझे लगता है माइनिंग में तो अभी ये कोई बेनिफिट तो नहीं है माइनिंग में ये कार्ड कोई नहीं लगा रहा जिनको लगाना है 3080 Ti लगा रहा है सेम हैश रेट लगा रहे हैं इसके अलावा जो है अभी आपको 3090 Ti हाँ लास्ट कार्ड 3090 Ti जो 3090 Ti है वो भी अच्छा कार्ड है अभी और परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त से आई है वो आपको 1,85,000 में मिलेगा इंडिविजुअल अगर आप लेते हो 1,85,000 का हो जाएगा 3090 Ti इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिल्ड में आपको 180 के आसपास वो दे दूंगा 180 के आसपास मिल जाएगा बिल्ड में मतलब 5,000 रुपए का अंतर हमारा डिफरेंस रहेगा ओके सो गाइस ये सारे कार्ड हो गए यहाँ पर जो हमने सारे कवर करे AMD एंड NVIDIA सारे कार्ड यहाँ पर कवर करे प्राइजेस ड्रॉप भी हो सकते हैं डिपेंड ऑन इथेरियम क्या प्राइस चल रहा है एंड आगे क्या प्राइस रहेगा बाकी अगर आपको पीसी बिल्ड कराना हो तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आप बिल्कुल पीसी बिल्ड करा सकते हैं बाकी सुभाष भाई का जो दुकान है उसके एड्रेस रियल लाइव लोकेशन फोन नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और भूले ना एक इनकी वेबसाइट भी है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक digitalpcshop.com हमारी वेबसाइट का नाम है आपको लिंक भी मिल जाएगा आप जाके चेकआउट कर सकते हो digitalpcshop.com बिल्कुल चेकआउट करिए और एंड प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पेमेंट गेट भी होता है एंड बाकी चीज़ें भी होती है पैकेजिंग एंड शिपिंग वो भी देखना पड़ता है तो प्राइस का आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना देखो प्राइसिंग ऑलमोस्ट जो है हम लोग कोशिश करते हैं सेम रखेंगे इसके अलावा वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर है अगर किसी को कहीं से कोई प्राइसिंग मिलती है भैया मुझे यहाँ कहीं से अगर 80,000 का मिल रहा है कोई चीज़ ठीक है तो आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर लो डाल सकते हो भैया मेरे को ये चीज़ इतने का मिल रहा है आप कितने का दोगे कई बार प्रॉब्लम होती है वेबसाइट पे रेट अपडेट करने में हाँ, तो हो जाता है हाँ तो वो कोई इशू नहीं है आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकते हो और डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट से जाके ऑर्डर भी कर सकते हो कोई इशू नहीं अंदर में ओके सुभाष भाई थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए बाकी गाइस चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगी आप जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए बाकी डिजिटल ओशंस जरूर विजिट करिए थैंक यू सुभाष भाई वीडियो बनाने के लिए Set on me, but these feels they come and go.